इस आयत करीमा से मुतल पिछली दो नशस्तों में हमने काफ़ी बातें आपके सामने रखी हैं इसका जो आखिरी हिस्सा है आज के इस नशिस्त में इनशा बयान किया जाएगा अल्लाह अल्लाबालमी ने इरशाद फ़रमाया वीन हाजरूफ़ी खैर अल्लाबालमीन की तोफ़ी से अल्लाह रब्लमीन का एहसान जिन पर इस नौीय का होता है कि जो अल्लाह रब्लम के रास्ते में हिजरत करते हैं अल्लाह ने दुनिया और आख़रत में उनको इतनी फजीलत बख्शी है कि अगर उनका इंतक़ाल मैदान जिहाद में हो दुश्मन के हाथों मारे जाएँ या बिस्तर पर उनकी मौत हुई हो अल्ला रब्लम उनके लिए वो मकाम अता करते हैं जो शोहदा को अ करते हैं भले ही बिस्तर पर उनकी मौत हुई हो और फिर इसी एतबार से एक मुराबद का जो मकाम है मुसलमानों का जो हारिस और निगरान है निगहबान है जो मुसलमानों की चौकीदारी करता है उनके लिए क्या अजर स्वाव है उस पर भी हमने रोशनी डाली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्ला रब्लम ने जब कहा कि यानी अल्लाह सुबहान व ऐसे लोगों को ऱक़ हसन अता फ़रमाते हैं व लजन हाजरफ़ी सबी सुबह रज़ कन हसन तो रज़ खन हसना अल्लाहान तैाली इस तरह की अपने मोमिन बंदों को अता फ़रमाते हैं अल्लाह अल्लाबालमीन ने अपने तारफ़ में कहा वन अल्लाखैर वखैर इस आयत करीमा से मतलब ज़ाहरी तौ पर एक इश्काल है वह इश्काल ये है कि अल्ला रब्लम बतोर रज़ा अकेली ज़ात है ना अल्ला सुबहान वाली की उलूत में किसी की शराकत नहीं अल्लाह रबालमीन की तखलीफ़ में किसी की शराकत नहीं अल्ला रब्लम की रज़ाकियत में भी किसी की शराकत नहीं अल्लाह सुबहान रज़ाक है तो अल्ला रब्लम अकेले रजाक है इस पर हमारा ईमान है सभी लोगों का ईमान है कुफ़ार भी कहते हैं इस बात को लेकिन यहाँ अल्ला रब्लमी ने कहा कि व इन अल्ला खैरक़ीन तो अल्ला रब्लम रोज़ी रोटी देने वालों में से बेहतरीन रजाक हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि और भी रजाक हैं और अल्लाह रब्लम खैर उराज़क़ीन है इसका क्या मतलब है इस सिलसिले में अलाम फखरुद्दीन राजी रिन जिनकी तफसीर, तफसीर कबीर यहाँ हमारे पास रखी हुई है बत्तीस जिल्दों में उसमें आपने यानी बड़ी लतीफ़ बात कही है इसको कई एक यानी पहलू से समझाने की कोशिश की है तफसरमहर्र क्रन करीम जो इस वक्त का एक अजीम काम है तफसीर के बाब में वो हमारे पास भले ही मुकम्मल किताब नहीं है बाईस जल्द इक्कीस जल्दें हमारे पास हैं और उस पर काफ़ी काम हो चुका है अलहद तकरीबन काम हो चुका है बकिया जल्दें हमारे पास नहीं हैं सूरत लहज का हिस्सा हमारे पास मौजूद है उन्होंने हु बहू अपने अल्फाज में कुछ तसरफ के साथ उनकी तरफ अहा करके उसको नकल किया है और मज़द आसान कर दिया है उसको समझाने में जो तोज़ीआत अलामा फखरुद्दीन राजी रहा ने पेश की हैं उसे मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ इनशा ताली आप कहते हैं कि इस सिलसिले में कई बातें हैं पहली बात यह है कि यहाँ पर जो सेगत व तफजील जो मस्कूर है कहा कि खैर खेरु राज़िकिन, खैर यानी अखियर के माने में गोया कि इसका मतलब ये हुआ कि आ, दीगर भी रजाक हैं लेकिन सबसे बेहतर रजाक अल्लाह रब्लम है क्यों सेगत व तफजील जिक्र किया गया है सेगतुल तफजील की उसलूब में क्यों ये बात पेश की गई है आपने उसकी वजह ये बताई बात ऐसी है कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सैकड़ों बंदों को इतना अहल बनाए हैं इतनी सलाहियत अता की है कि वो भी आ, किसी न किसी को खिलाते हैं जैसे घर का सरपरस्त है वो अपने माता हितों को खिलाता है कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से माल हासिल किया हुआ है वो और मसाकिन को खिलाता है और इंसान दावतें देता है किसी तकरीब में किसी को मदो करता है ताउन करता है खर्च करता है किसी को खिलाता है तो रिज ये जो फ़ेल है रज़ा का इस फेल की इसनात इस अल्लाह रब्लमी ने अपने मखलूक की तरफ भी की है अपने बंदे की तरफ भी की है रबालमीन ने तो चूँकि अल्लाह सुबहान ताली ने इस फेल की नस्बत अपनी तरफ भी की है अपने मखलूक और अपने बंदों की तरफ भी की है इसी मुनासबत से सेहत व तफ़ील से जो है इस बात को पेश किया गया है अब नतीजे के अतबार से आप देखिए कि अल्लाह रबुलामी का वजूद है और मखलूक का भी वजूद तो है अल्लाह सुबहान वाली की ज़ात है और मखलूक की भी ज़ात है तो खालिक और मखलूक़ की ज़ात में कोई मुनासबत है क्या बिल्कुल नहीं खालिक की खाल के अतबार से है मखलूक की मखलूक तो के अतबार से है खालि सुनते हैं और मखलूक़ भी सुनता है ऐसी सूरत में क्या मखलूक सुनने की वजह से खाल की सुनने की मतलब मुशाबत हो गई क्या बिल्कुल नहीं खालि देखते हैं और मखलूक भी देख देखती हैं मखलूक के सुनने की वजह से मखलूक के देखने की वजह से खालि की मुशावत हो गई क्या नहीं हुई तो जिस तरह से वजूद में जो है यानी जुदा जुदा वजूद हैं जिस तरह से ज़ात जुदा जुदा है वैसी सारी सिफात सारे अफाल जो खाल और मखलूक से मुताबिक बयान किए गए हैं लफजी तौर तो पर इश्तराक हो सकता है एक लफ्ज़ दोनों के लिए काम कर सकता है माने के अतबार से खाल और मखलूक में जो फ़र्क है वो हर पहलू में फ़र्क है तो ये बात आपने पेश की इस सिलसिले में आप देखिए कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नस्बत की जो, जो इस, इस जो है इसकी जो नस्बत फेल की रज़ा की मखलूक की तरफ की है वो कई जगह पर है कुरानी मजीद में आप उस आयत करीमा को सामने रखिए जो सरतुलमिन की है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि किस खर्जन फ़खरा जरब का खैर व हुवा ख़ैरज़कीन कहा कि अल्लाह के रसूल आप इनसे दावत व तबलीग के बाद में उजरत लेते हैं क्या उजरत मांगते हैं क्या हम तसम खर्जन फ़राज और रब का ख़ैर यानी अल्लाह सुबहान दावत तबलीग़ पर आपको जो उजरत आपको जो रोज़ी रोटी दे रही हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर है वो वो बहुत उम्दा है वो इसलिए कि अल्लाह रब्लमी ने कहा कि वह व ख़ैर और कीन अल्लाह रब्लम ने सबसे बेहतरीन रोज़ी रोटी देने वाले हैं तो यहाँ अल्लाह रब्लमी ने जो से गये ज़िक्र फ़रमाए हैं इसी वजह से कि रजा की जो नस्बत है इस इस फ़ैल की वो अल्लाह ने अपने मखलूक की तरफ भी की है अल्लाह ताली ने सोतुलनिस के आगाज़ में बयान फ़रमाया ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وَكْسُوهُمْ وقولوا لهم قولا معروفا اب غور كيجي الله سبحانه وتعالى نے يعني آه معاشرے میں سماجی زندگی میں, گھر گھر میں कोई ऐसा फ़र्द हो सकता है जो यानी कम उम्री की वजह से या हो सकता है वो यतीम हो या छोटी उम्र का हो उसके नाम पर खूब खूब माल हो ऐसे में माल उसे नहीं सौंपना चाहिए इसलिए कि उसमें भले ही माल का मालिक वो है लेकिन तसरफ का उसे 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 तरीक़ा नहीं मालूम है कि कहाँ खर्च करना चाहिए कैसे खर्च करना चाहिए कैसे उसके अंदर नमू और इजाफा करने की सूरत इख्तियार करनी चाहिए उसे नहीं मालूम है तो अल्लाह रबूल ने क्या कहा कि आप उस माल की हिफाजत कीजिए माल उनको मत सौंपिए अलबत्

वो उस पर ख़र्च करेगा उसकी रोज़ी रोटी उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायम रखी है तो रिज़्क की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूक़ की तरफ भी की है इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इसलूब भी बयान फरमाए कि वह इन अल्लाह ख़ैर ये बात अमामाफ़रुद्दीन राजी ने कही है रहा मैं अपनी तरफ से एक मिसाल आपको अलग से देता हूँ कुरान मजीद से ताकि बात समझ में और आसानी हो जाए हम सब जानते हैं कि खाल की ये जो नस्बत है किस तरफ़ होगी अल्लाह ही की तरफ़ होगी इसलिए कि खालिक सिर्फ़ रब्बालमीन है लेकिन देखो अल्ला सुबहान व यहाँ पर भी से गए तफजील से बात बयान फ़रमाए आप देखो सुरतुलत में इलियास आली सलाम ने अपनी कौम के लोगों को दावत देते हुए क्या कहासन अल्लाह रब आबाकउन अहसन अन कहा ना यानी खालिकिन में सबसे अहसन कौन है कहा कि अल्लाह रब्लमी इसके मतलब और भी खालि हैं क्या सुबहानल्ला अम्बिया आल मसद की दावत में मतलब क्या शिरक बुआ रही है नवाजुबिल्ला बात नबी की नहीं है बात नबी की नहीं है सिर्फ़ इसलिए कि नबी रब्बालमीन के कहने पर कह रहे हैं कि किब अल व तहसन अन्बकम रब्ब आबाकम तो यहाँ पर अहसनुलखालिन की जो बात आई है जो तहबी है सदुत तफजील की हालांकि अल्लाह ताली ने सराह से इस बात को बयान फ़रमाए हैं सरतल में कि किबकुम लालाबो अल्ला रब्लम ने कहा कि हर चीज़ के खाली अल्ला रब्लम है माँ सिब अल्लाह के मखलूक़ हैं और सब के खालि सिर्फ़ और सिर्फ़ अबूलम है जब खालि सिर्फ़ अल्लाह रब्लम है तो फिर अहसन और का क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि खल ख़ा की जो खल ख़ा ये जो फ़ेल है इसकी इसनाद इसकी नस्बत अल्लाह रब्लमी ने बंदे की तरफ भी की है आप देखो कि इब्राहीम आलोलम ने अपनी कौम के लोगों से क्या कहा सरोन का बुत में है कि इन नमा तब नमिन अवसा व तख़ल़ो इफका कि, कि ये तो जिनकी तुम इबादत कर रहे हो मतलब पत्थर की और शजर की दरख्त की वगैरह कहा कि ये ये, ये जो झूठ है न तुमने गढ़ा है तो ये खल ख़ा की जो नस्बत है इब्राहिम आलोसम किस की तरफ की मखलूक की तरफ व तख लु़ो नफ़का मतलब ये कि ये जो तुमने बुत बनाए हैं ना ये तुमने अपने हाथों से बनाए हैं तो एक इंसान अपने हाथों तो से मिट्टी का मजमू लेकर करके मिट्टी और उसमें जो भी उस, उसकी जो आला है उसकी जो अशिया हैं सब उबूर को एकजा करके जो एक वो पत्थर वगैरह किसी नौीयत का जो जो बुद्ध बनाता है तो उस उसको जाहिरी तौर पर जो ख़ल़ से ताबिर किया गया है तो चूंकि ख़ल़ की नस्बत भी बंदे की तरफ़ की गई है तो अल्लाह सुबहान ताली ने इसी मुनासबा से गई तफजील में इस बात को बयान फरमाए हैं कि अहसनिम हालांकि जिस तरह से अल्लाह ताला की तमात में बंदे की समात में फ़र्क़ है लफ्ज़ एक है माने में फ़र्क़ है वैसे ही अल्लाह सुबहान ज़ात उसके सारे सिफ़ात उसके सारे आफा में फ़र्क नहीं तो इन अल्लाह ख़ैर और में अहसनरा कहने की वजह से उसमें यानी ऐसा माना आ ही नहीं सकता है कि कई रजाक हैं और जो है हकीकी मानों में जो अल्लाह रब रजाक है कैसे इसमें मतलब एक तरह की आ, तजाद हो गया ना कुरान मजीद की यानी बातों में तो ऐसा नहीं है मामला तो शेख तफजील इसी मुनासिबत से बयान किया गया एक तोज़ी तो आपने ये की एक और तोजी आपने ये की कि अल्लाह सुबहानो ही है जो असल मेंसाक है असल में रजाक अल्लाह सुबहानो ही है अलबत् बंदे को जो रजाक कहा गया है वो मिन जिहा इसलिए कि बंदा किसी को खिलाता है तो वह अल्लाह ही की तरफ से ना खिलाता है बंदे को वजूद किसी बख्शा बंदा जिसको जो चीज़ें खिला रहा है वो अशया किसने दी ये ये सारी चीज़ें अल्लाह सुबहान तौ ही ही की तरफ से है ना तो हकीकी मानों में फिर भी अर रजाक अल्लाह रब्लम ही हुए एक दूसरी वजह आपने बताई एक तीसरी वजह आपने ये बताई और ये भी बहुत अहम है आपने कहा कि अल्लाह रब्लम ही हकीकी हकीीक है मखलूक़ यानी बंदा वोर्रजाक है वो खिलाता है तो कब खिलाता है वो जब अल्लाह सुबहान तैाल उसके दिल में डाले यानी एक बंदा कब खिलाएगा किसी को जब उसके दिल में इरादा आए आज जैसे एक इंसान कहता है कि मेरे दिल में ये इरादा आ रहा है कि मैं किसी को खिलाऊं मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैं आज दावत दूं मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैं फुकरा पर जो है ये चीज़ तकसीम करूं तो जाहिर बात है कि इंसान के दिल में ये ख्याल आएगा तभी तो वो खिलाएगा ना और ख्याल डालने वाले कौन हैं वो अल्लाह रब्लम ख्याल डालने वाले अल्लाह रब्लम हैं तो हकीकी मानों में रज़्ज़ाक हुए कौन ये और बात है कि अल्लाह रब्बालमीन किसी बंदे को खिला रही है एक बंदे को अल्लाह ताला ने एक वास्ता बनाए हैं उसके दिल में इरादा पैदा की है तो हकीकी मानों में अर कौन हुए अल्लाह रब्लम ही अर हुए ये एक भी एक वजह आपने बताई है एक तोज़ी आपने ये भी की है कि इंसान खाना बनाता है या खाना बनाने से पहले जो है मतलब जैसे अनाज वगैरह खेती में जो है खेती करता है और उसमें जो फसलें होती हैं फिर उसकी कटौती होती है वगैरह वगैरह ये सारी सलाहियतें अगर मान लीजिए कि जो है मतलब मुनासिब ज़मीन ना हो मुनासिब बारिश ना हो मुनासिब आलत ना हो मुनासिब मेहनत ना हो मुनासिब निगरानी ना हो मुनासिब अफराद ना हो मुनासिब जो है सलाहियतें ना हो और उसके मराहल ना हो उसमें तसलसल ना हो तो फिर ये सब खाने पीने की अशियाँ इंसान को यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचेंगी इंसान को अगर अल्लाह रब्ल सलामती ना अता करे उसे सेहत ना दे और तो, तो वो इंतफा का जो पहलू है वो हमेशा के लिए फ़ौत हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्लम ही उसे पहुँचा रहे हैं फराहम कर रहे हैं तो इस अतबार से हकीकी मानों में अल्लाह अराक़ालब्लामी ही की ज़ात हुई तो इन अल्लाह अल्लाख़ैर से ये माना अक्स किया ही नहीं जा सकता कि अर्रजाक़ और भी हैं हकीक़ी मानों में अर्रजाक़ अल्लाह ही हैं और अकेले अल्लास्ाक़ हैं बात यहाँ तक हो चुकी है हमारी इस नशिस्त में एक बात यह है आज की यानी इस आयते करीमा से मुताबिक हुई कि अलमा इब्न आशूर रहमहुल्ला ने कहा अलमा इब्न आशूर रहमहुल्ला ने कहा कि इस आयते करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिज़्क़न हसना कहा ना यानी वल्दिना हाजरू फी सबिलिल्लाह सुम्मा कुतिलू औ मातू लयरज़ुकन्नहुम अल्लाह रिज़्क़न हसन अल्लाह रब्बुल ने रिज़्क़न हसन कहा रस्कन हसना वाली जो बात है इस मुनासबत से इब्न आशोरल ने बड़ी उम्दा बात कही कहा कि रस्कन हसना इसलिए कहा हालांकि रस्कन से मुराद अल्लाह के आता है चाहे इस दुनिया में हो चाहे वो जन्नत की बात हो तो रस्क के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो यानी सिफत हासाना जो बयान फरमाई मतलब ये है कि बंदे को अल्लाह आलमीन ईमान की बुनियाद पर उसकी मेहनत की बुनियाद पर यानी अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने की वजह से अल्लाह के दीन के लिए मुजाहदा करने की वजह से अल्लाह व तआला उसे इतनी उम्दा रोजी देंगे कि रिज़्क़ रिस्क ना कहा इसका मतलब यह हुआ कि बंदे को उसका दिल भर जाएगा बंदा खुश हो जाएगा बंदा इससे बेहतर कोई चीज नहीं मांगेगा इसलिए कि अल्लाह उसे जो चीज अदा फरमाएंगे वो सबसे अहसन देंगे अल्लाह सुबहान तआला जब उसे देंगे तो उससे बेहतर उसे कोई चीज मिलेगी ही नहीं उसको नहीं चाहिए अल्लाह सुबहाना तला किसी भी जिस तरह से दीन अल्लाह का उसने कबूल किया है इसलिए कि इससे बेहतर दीन उसने कोई कोई कबूल नहीं, नहीं समझाना उसने उसने समझा कि सबसे बेहतर दीन यही है अल्लाह सुबहान दीन है और उसने कबूल कर लिया तो अल्लाह रब्बालमी उसे जो रोज़ी देंगे वो एहसन देंगे उससे बेहतर कोई चीज़ होगी ही नहीं अज़ा उमजनसर अमल के तहत इसीलिए अंदर रब्बुल आलमीन ने उसकी बात वाली आयत करीमा में कहा लयुद खिलान नद खलन या ना रब्लम उनको दाखिल करेंगे चाहे फतुहात की शक्ल में हो रोज़ी रोटी की शक्ल में हो जन्नत की शक्ल में हो या रौ उससे वो राजी हो जाएंगे यानी मतलब ये कि उससे बेहतर चीज उनके पास कोई होगी ही नहीं कोई यानी कोई 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 ख्याल ही नहीं आएगा कि इससे भी बेहतर कोई चीज़ हो सकती है अल्लाह सुभान व तआला सबसे बेहतर चीज उनको अता फरमाएंगे कहा कि रिस्क हसना اصل میں آیت کریمہ کا اسلوب اس طرح سے ہے والذین الله فی سبیل ثم قتلوا او ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا لا يدخلنهم مدخلا يرضونا اصل میں آیت کریمہ کا اسلوب اس طرح سے लेकिन व इन आ वख़र्किन की जो बात है इस सिलसिले में अब सऊदाई मादी आपकी जो तफसीर है आ, यानी इर्शादला सलीम इलाम मज़ा अल्किताबल करीम और इब्न इब्बन आशोरल्ला ने भी जो है अपने अल्फाज में इस बात को कही है कि ये जुमला मोतरगा है अल एतराब है यानी दरमियान में बात बताना मकसूद है कि लयर जोकन नहमसन हसाना तो अल, 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 अल्लाह सुबहान तैयार उन्हें बेहतर रोज़ी अदा करेंगे और लयुत ख़िल नहमौना उस जगह दाखिल करेंगे जिससे वो राज़ी हो जाएंगे लेकिन जब बात रोज़ी रोटी की आए तो कहा कि ये रस्कन हसना जो इनको मिलने वाली है ये किसकी तरफ से मिलने वाली है कौन दे सकता है ये चीज़ किसकी तरफ से ये चीज़ फराहम की जा सकती है कहा वा इला ख़ैर तो ये एतराज़ है उससे जुड़ी हुई बात है फिर आगे की बात मुस्तकिल है कि लई यरदौना आज की नशिश में ये बातें रहीं इन वाली नशिस्तों में आयत नंबर उनसाठ से आपके सामने बातें पेश की जाएंगी अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह सुबहान ताली हमारी इस नशे को हमारे इस हमारे वालदे हमारे कुल माविन के लिए हमारे मुशाहन के लिए हमारी अजीज़ अहलिया के लिए जो बहुत ही समझदारी के साथ हमारे फर्जंद बकर को जो है संभाली बैठे हुए हैं इसलिए कि घर में तफसीर की रिकॉर्डिंग हो रही है बच्चे छोटे हैं ऐसे में जो है मतलब आ, बकर को अलग बिठाया भी नहीं जा सकता है अलग रखा भी नहीं जा सकता है साथ में लेकर के बैठना ये माँ की कुर्बानी है मुजाहदा है दरमियान में हल्की फुल्की बकर की आवाज़ें आ रही थी लेकिन हमारे पास जो है ये एक रास्ता था कि बात पहुँचाने का अल्लाह ताला जो है इन कोशिशों को कबूल फ़रमाए अल्लाह मुखल बनाए अल्लाह अल्लाह के दीन के लिए अ, अ, एक सच्चा और मुखलिस जो है सलार बनाए अल्लाह सुबहान तआला हमारे हसन में शुमार फरमाए हमारे लिए हमारे सैयाद के लिए कफारा कर दें सुभानकल्लाहु व बिहमदिक अशरुल्ला इलाह इल्ला अंत व अतूब इलैक